365 दिन चलने वाली पार्टी है। हम चुनाव के दृष्टिकोण से ही, जब चुनाव आते हैं तो जिस तरह बरसात में मेढक टर टर करते हैं, तो वैसी पार्टी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का 14 में 14 की पूरी तैयारी है। और आप सब ने देखा होगा, आज ये लोग INDI जो बना रहे हैं, ये 2019 में भी बना था, जिसमें 9 लोकसभा कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ी थी और 1 RJD ने, तब भी भारतीय जनता पार्टी NDA को 12 सीट दी थी। और अभी तो इस राज्य सरकार से ये जो ठग गठबंधन की सरकार जो 4 साल से चल रही है, झारखंड की जनता काफ़ी आक्रोश में है, निराश है। और ये 2024 के जो इस झारखंड में 2 लोकसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे, वो दोनों लोकसभा जीत चुनाव झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और NDA की झोली में देगी। देखिए, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, और कोई भी व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं है। अगर हम हो चाहे आप हो, गलत किए हैं तो कोई भी एजेंसी अगर बुलाती है तो एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति को जाना चाहिए। वो तो अपने सिर्फ आपको पूछताछ करने ही बुला रहे हैं, तो क्यों आप भाग रहे हो डर से? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बड़ी बड़ी वादे और नारे के साथ जनता को गुमराह कर, और जनता ने इनके बातों पर विश्वास होकर इनको जनादेश दिया था। झारखंड के हमारी युवा शक्ति, महिला शक्ति या अन्य लोग को काफ़ी आशा थी कि सरकार जो कहा था युवाओं की सरकार बनाइए, हम युवाओं को जो सरकारी पद 3 लाख से ज़्यादा पद उनको 2 साल के अंदर भरेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी चुनौती है, इन 4 वर्ष में आपने 1 नियुक्ति का विज्ञापन नहीं निकाला। 2 नियुक्ति में जो आप 2017 में पंचायत सचिव या लिपिक या कुछ टीचरों की बहाली की, वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, जिसमें सिर्फ हमें उनको नियुक्ति देना था, इस बीच चुनाव का घोषणा हो गया। उस नियुक्ति को भी ये सरकार ने 3 साल से ज़्यादा लटका के रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार मिला तो इनको नौकरी देना पड़ा। और इन्होंने घोषणा किया था कि हम हर साल JPC का 2 परीक्षा लेंगे। तो राज्य की युवा शक्ति इस राज्य की सरकार से काफ़ी निराश है, और हमारा झारखंड का कोई भी जनमानस इस सरकार के जो इन्होंने ठगने का काम किया, जो गुमराह किए थे, इस गुमराह से झारखंड की जनता बाहर निकल गई है। और मुख्यमंत्री को ये बात समझ में आनी चाहिए, जो जनता आपको गद्दी में बैठाई है गद्दी से उतारना भी जानती है। काट का हंडी एक ही बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। सोच समझ के डिबेट में जाएंगे। देखिए, इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। एक तरफ हमारे विपक्षी दल के लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है कि जब जब मीडिया उनके अनुकूल ना रहता तो उनको प्रतिबंध लगाने का काम, तो कांग्रेस और ये जो नापाक गठबंधन, बेमतलब का जो गठबंधन बना, इसके चरित्र को देश की जनता जानती है, और लोकतंत्र का 4th स्तंभ है, इसको कोई दबा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।